Yeah. Hit the like and the bell button and subscribe my channel for the new updates and the new videos. Thank you. Assalamu alaikum. What's up guys? Kaise hain? Sab theek thaak hain? Main apni is video mein media ke bare mein baat karna chahta tha. आपने देखा है जियो न्यूज़ है, समय है, पाकिस्तान का जितना भी मीडिया है ये सब बिका हुआ है, सब बिका हुआ है। इसमें बहुत चंद लोग हैं जो सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वरना वो भी बिल्कुल बिके हुए लोग हैं। और अब ये सारे लोग अंदर जाने वाले हैं, ये लोग लंदन में चर्चिल होटल्स में जो है ना मज़े करते रहे हैं जरदारी के साथ, और ये भी जरदारी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सब अंदर होने लगे हैं। आप ज़रा हौसला रखें, सारे के सारे चोर ये सब अंदर होने लगे हैं, ठीक है ना। अब कल की तकरीर में इमरान खान ने अपनी हाउसिंग स्कीम के बारे में वो किया, तो उस हाउसिंग स्कीम से बहुत से लोगों का फ़ायदा होगा। मैं चाहता हूँ आप लोग जो है ना ज़रा हौसला रखें और एक पॉजिटिव मैसेज दें सबको, सबको हौसला दें। बहुत से लोग हैं जो नाउम्मीद हो गए हैं, बहुत से लोग हैं जिनको अभी भी उम्मीद है काफ़ी, और उम्मीद रखनी चाहिए। 30 साल दिए हैं आपने नवाज शरीफ को, जरदारी को, पीपल पार्टी को और नून लीग को, 30 साल। इसको कम से कम 1 साल तो दे के देखें। 1 महीने 40 दिन में हमारी मीडिया ने इंतहा का शोर मचाया हुआ है। IMF के पास चले गए, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फला नहीं हो रहा, डीम का नहीं हो रहा। वो भाई जब इन्होंने कुछ नहीं किया था नवाज शरीफ और ने, तब तो आप लोग बहुत चुप थे। IMF में चले गए तब तो कोई नहीं बोला सिवाय 2-4 लोगों के। तो यार ज़रा बिकावा मीडिया है हमारा, हम ये लोग आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। जब आप एक चीज़ बार बार देखते हैं तो आप वो चीज़ सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, और ये मीडिया सब कुछ यही कर रहा है। ये सारा मीडिया बिका हुआ है, इनके लिफाफे आते हैं नवाज शरीफ से, नून लीग से, ठीक है ना, आइए इनके जो है ना अमेरिका से, ये सारे जितने भी है, ये CIA रॉस है, इनको लिफाफे मिलते हैं, जरदारी इनको लिफाफे देता था, अब ये लोगों के लिफाफे बंद हो गए हैं। इनको पता है इमरान खान तो किसी को घर में वो नहीं करता, ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं देता। अब आपने देखी होंगी जितनी भी तकरीब देखी होंगी, पानी रखा हुआ था और चाय रखी हुई थी, और जो है ना बिस्किट भी नहीं थे उन लोगों के साथ। तो यार इमरान खान आपको पता है करप्ट नहीं है ना, वो नवाज शरीफ नहीं है, वो जरदारी नहीं है, वो ये शहबाज शरीफ नहीं है। उसको किसी सीट की लालच नहीं है, उसको किसी भी ओहदे की लालच नहीं है, उसको प्राइम मिनिस्टर रहने की लालच नहीं है। अगर उसने खुद कहा है कि अगर मुझसे ये नहीं संभाला जाएगा तो मैं असम्बलियाँ तोड़ दूंगा, और जब ये असम्बलियाँ तोड़ देंगे इमरान खान तो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ जाएगा, और वो इनको उल्टा लटकाएंगे सारे, क्योंकि ये लोग इनके हक में ये बहुत अच्छा है अभी इमरान खान, ठीक है ना। अभी क्योंकि ये जितना भी सिस्टम है ये सब करप्ट है, अब वो ऊपर के चेंज करेगा तो नीचे तक रिजल्ट जाते 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 टाइम लगेगा। हर चीज़ को एक टाइम लगता है। एक मुल्क एक घर की तरह होता है, आप जब नए घर में शिफ्ट होते हैं तो आपको सामान शिफ्ट करते करते ही महीना लग जाता है, ऊपर नीचे ये वो। तो गाइस ज़रा हौसला रखो, कुछ नहीं होता, सब इंशाल्लाह बेहतर होगा। अब हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जाने लगा है, अब नैब ने काम करना शुरू कर दिया है, चीफ जस्टिस ने बहुत सारे अच्छे फैसले किए हैं, ठीक है ना, हमारी ISI है, बहुत लोग अब सीधे होने लगे हैं, ठीक है ना, हमारे शहरयार अफरीदी जो हैं हमारे इंटीरियर मिनिस्टर, वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है ना, फवाद चौधरी हैं हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो गाइज आराम आसान एक ही दम चीज़ें नहीं होती, आहिस्ता चीज़ें होती हैं। तो हमारा मुल्क कोई गरीब मुल्क नहीं है, हमारा मुल्क बहुत ही पावरफुल, और बहुत ही अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को इतना कुछ दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं चाइना में हूँ, ठीक है ना, मैं बहुत से कंट्रीज़ घूमा हुआ हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ हमारे मुल्क की, हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। हमारा मुल्क ग्रे लिस्ट में डला हुआ है, कोई वैल्यू नहीं है, वीज़े नहीं मिलते हमें, ट्रैवलिंग के वीज़े नहीं मिलते सर, काम करने के रहने के तो छोड़ो, ट्रैवलिंग वीज़े नहीं मिलते हमें। इतनी ज़्यादा हम पे सख्ती, चेकिंग, ये वो क्यों? क्या पहले इमरान खान ने किया ये सब कुछ? इमरान खान 30 साल से खड़ा हुआ है, या इमरान खान की वजह से कोई चीज़ें नहीं हुई? और ये हमारा मीडिया सारा का सारा 2 नंबर मीडिया, बिकाऊ मीडिया है ये।
तो गाइस आप ज़्यादा इन लोगों पे तवज्जो ना दें, आप मीडिया पे इतना ज़्यादा वो ना करें। मैं आप अपनी अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कौन से चैनल्स आपको देखने चाहिए, ठीक है ना, जो मुझे लगते हैं कि ठीक हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जिसको सपोर्ट करें, हर बंदे की एक अपनी मर्ज़ी है, हर बंदे की अपनी विश है, हर बंदे का अपनी सोच है, आप जो चाहें आप वो कर सकते हैं। मैं आप जिसको आपको वो बताना चाहता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। अब मैं पाकिस्तान से बाहर बैठा हूँ, मैं कुछ और तो कर नहीं सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लोगों को, पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को एक अच्छी विल दूँ, एक अच्छा मैसेज दूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग एक प्यार से, आराम से रहें। वो लोग बहुत ही थके हुए हैं, बहुत ही वो लोग बर्दाश्त उनसे बाहर हो चुकी है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, कोर्ट केस पड़े हुए हैं उनके, सालों से, सदियों से पड़े हुए हैं, तकरीबन तीन तीन चार चार डेकेड से उनके जो है ना केस फंसे हुए हैं, तीस तीस चालीस चालीस सालों से। और मेरे अपने फैमिली में काफ़ी लोग हैं इस तरह के। तो गाइस आप हौसला रखें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। और आप ये मीडिया की सुनना बंद करें, ये बहुत नेगेटिव मीडिया है, बहुत नेगेटिव मीडिया है, इसने सारा नेगेटिविटी का मैसेज फैलाया हुआ है, सारी बेगैरती इन्होंने फैलाई हुई है। कोई एक मुझे शो बताएं जो अच्छा हो, कोई ऐसा शो नहीं है जो अच्छा ना हो। तो गाइस मैं आपको प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग, तमाम लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को एक अच्छा पैगाम दें, एक अच्छी प्यार मोहब्बत से रहें, ठीक है ना। मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत हो, वो कुछ भी नहीं कर सकती जब तक आप लोग नहीं ठीक होंगे। आप अपने में चेंज लाएं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद ना बदलना चाहें। तो गाइज आपको बदलना होगा, प्लीज़ जो है ना इस पर गौर करें कि हम क्या गलत कर रहे हैं। गाइज मैं बस इतना ही कहना चाहता था। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।